सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को और आइकन बेल को दबाइए लेटेस्ट ऑल इन वन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वाईफाई का पासवर्ड निकालें। अगर आपके मोबाइल में किसी का वाईफाई कनेक्ट है तो उसका पासवर्ड निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि वाईफाई का पासवर्ड सिर्फ दो ही मेथड से निकाला जाता है। पहला मेथड है रूट। अगर आप रूट का यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन हो सकता है ख़राब। और दूसरा मेथड विदाउट रूट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। विदाउट रूट में मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा। उस मेथड को आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, उसके बाद आप भी वाईफाई का पासवर्ड निकाल सकते हैं। अगर आप भी उस मेथड को सीख लेंगे तो आपकी भी आँखें इस आदमी की तरह फटी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते। पहला मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको करना क्या है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई ऑन करना। वाईफाई ऑन करने के बाद आपको सिर्फ व सिर्फ उस पर एक क्लिक करना है, जो भी वाईफाई आपका का, तो और उसको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप स्कैनर में जाकर पेस्ट करें, और फिर उस जब पेस्ट हो जाएगा तो वाईफाई का पासवर्ड आपके जस्ट सामने ही होगा। देखो ये डॉट डॉट है ना, इसको अभी क्लिक करने का, और फिर ये मेरा पासवर्ड है 15 बार डॉट डॉट। दूसरा मेथड भी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी। सिंपली आपको करना क्या, आपको करना है कि वाईफाई की सेटिंग में जाना है। वाईफाई की सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा गेटवे वेब पेज का ऑप्शन। अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है तो आप उस पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपका अनदर फ़ोन है तो आपको उस गेटवे वेब पेज पे जो भी नंबर दिख रहा होगा, जैसे कि 192.168 whatever जो भी है, उस नंबर को आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाके सिंपली लिखना है। उसको देख के गेटवे नंबर को, फिर लिखने के बाद सपोज़ आपका टीपी लिंक का वाईफाई, तो उसका वेब पेज खुल जाएगा। हमारा तो टेंडा का, तो हमारा तो खुल गया। अब हमारे सामने है कि इसकी कितनी स्पीड है, कितने लोग चला रहे हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारे वाईफाई को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो सिंपली ऊपर से ही दिख रहा है 3, लेकिन हमको उनका नाम भी जानना कौन सा फ़ोन। तो मेरा खुद का है कि रेडमी 3S, फिर इसके बाद यूटी ये कैमरे का वो है, फिर रेडमी 5A। तो देख सकते हो ना आप। तो हमको अब सिर्फ हम जाएंगे, और हम तो यहाँ से चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, मतलब डिसकनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा वाईफाई हैक वगैरह की, मतलब वाईफाई का पासवर्ड जानता होगा, उसको आप डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपली अभी हम उसको ओके करेंगे, और फिर देखें जानेंगे कि कैसे वाईफाई का पासवर्ड निकालते हैं। तो ओके कर, अरे एक मिनट, हाँ तो हम लोग ने अभी ओके कर, थोड़ा नेट स्लो। ओके करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। टेंडा का वेब पेज खुला। हाँ वेब पेज खुला। फिर वो जो ऊपर टेंडा के बाजू में तीन लाइन बनी है, उसमें सिंपली हमको जाना है वायरलेस सेटिंग दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर जो है वायरलेस सेटिंग पे जाने के बाद हमारा वाईफाई का नेम है सरफराज, फिर इसमें सिक्योरिटी म्यूट, और ये पासवर्ड दिख रहा है आपको, वाईफाई पासवर्ड हमारा 15 बार है डॉट 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 डॉट। तो चलिए बस। तीसरा मेथड भी बहुत सिंपल और इजी। सिंपली हम लोग ने इसमें ऐप का यूज़ किया जिसका नाम है राउटर सेटअप पेज। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोडिंग करेंगे। तो
डाउनलोड करने के बाद उसको डाउनलोडिंग करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद खुद का खुद वो एक्सेस कर लेगा कि कौन सा टीपी लिंक है, टेंडा वटेवर जो भी, तो उसको एक्सेस करने के बाद वो है ना वेब पेज खोल देगा। और फिर हम चेक करेंगे कि इसमें कितने लोग मेरे वाईफाई को यूज़ कर, तो उसमें एक रेडमी 3S जो मैं हूँ और एक 5A और एक कैमरे का है। तो सिंपली हमको फिर सेव करके हम अपने होम हम जाएंगे वेब पेज पे। वेब पेज पे जाने का तीसरे नंबर पे वायरलेस सेटिंग में जाएंगे। वायरलेस सेटिंग में सॉरी वायरलेस सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई का नेम है सरफराज, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड देख रहे हो ना, डॉट 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 15 बार, तो सिंपली ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूले, और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के बाय।